अभी कुछ बात कहते हैं लोग कि भगवान बुद्ध का धर्म लुप्त हो गया था भारतवर्ष। मैं इससे सहमत नहीं हूं। भगवान बुद्ध का धर्म का पतन हो गया था, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, लुप्त हो गया था। ये लोग वो कौन हैं जो कहते हैं कि धर्म लुप्त हो गया था? जो चाहते हैं लुप्त हो जाए, समाप्त हो गया था, जो चाहते हैं समाप्त हो जाए। मैं क्या कहता हूं, अब इसको मैं समझाऊंगा आपको, ये कितना गलत कहते हैं। लुप्त नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म को समझने वालों की संख्या में कमी आ गई थी, अज्ञानियों की संख्या बढ़ गई थी, अज्ञानियों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि धर्म को समझना कठिन है। भगवान बुद्ध ने कहा यह विज्ञ पुरुषों का धर्म है, यह लुप्त कभी नहीं होता। क्या अब मैं इसको कहूंगा, जब से मानव जाति और ये प्राणी जितने भी हैं पैदा हुए हैं लोक में, वो पानी पी रहे हैं। एक मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जो समझ में आ जाएगा आपकी। तब से हम पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं हम लोग, पानी को पानी समझ रहे हैं, लेकिन उसका फार्मूला पता नहीं है हमें। पानी बनता कैसे है? पानी पीते आ रहे हैं, उसमें पीते आ रहे हैं, पानी है बस। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, एंटोनियो लेवाइजर, उनका जन्म 1743, मृत्यु 1794। उन्होंने पहली बार आविष्कार किया कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी बनता है। पानी तो फार्मूला ज्ञात नहीं था, जब विज्ञान आया तब ज्ञात हुआ। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि पानी गलत था? पानी तो था, मेरा ज्ञान नहीं था। तो बुद्ध का धर्म अनित्य, दुख, अनात्म तो था। जब से लोक अस्तित्व आया, उसको समझाने वाले बुद्ध जैसे नहीं थे, और बुद्ध के होते हुए भी जो ना समझे तो उसका क्या इलाज है। फिर उसके बाद उन्होंने फार्मूला दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। फिर इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हुए कैवेंडिश, और 1781 के लगभग इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के दो भाग, ऑक्सीजन का एक भाग, इसलिए H2O कहते हैं उसको। ये पानी का फार्मूला है। तो क्या आप भी मानेंगे कि बौद्ध धर्म लुप्त था? अज्ञानियों की संख्या बढ़ गई थी, नॉलेज की कमी हो गई थी, विजडम की कमी हो गई थी। वरना कब कौन कहेगा एक लोक अनित्य नहीं है? नित्य कौन कहेगा इसको?